हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस वीडियो में आज हम सम ऑफ स्क्वायर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स से रिलेटेड कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सम ऑफ स्क्वायर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स निकाल सकते हैं। ओके, तो उससे आगे कि इस वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब प्लस ...20 का क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक्चुअली हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कौन सा, n n प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ओके, ये जो फॉर्मूला होता है ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। ओके, तो हमें एक्चुअली 10 से 20 तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यहां से लेकर 20 तक का क्यूब, इसका सम निकाल लेंगे। ठीक है ना, और उसमें से हमें 9 तक का चाहिए नहीं, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ...9 तक का क्यूब हम माइनस कर देंगे। ओके, इतना हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला यही लगा देंगे क्योंकि ये तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो एन यहां क्या है, 20, एन प्लस वन कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा, एन कितना है, 9 इंटू एन प्लस वन मीन्स 9 प्लस वन 10 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां से कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स और यहां से कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स। ओके, तो 21 का यदि हम 10 में मल्टीप्लाई करें, 210 का होल स्क्वायर माइनस या 9 5 45 का होल स्क्वायर। ओके, अब 210 का होल स्क्वायर कितना होगा, 44100, ये हो जाएगा 2025। ओके, तो यहां माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गए 5, 9 9 में से 2 गए 7, यहां फिर 0। ओके, 4 में से 0 गए 2, 4 में से 2 गए 2 सॉरी हाँ 4 4 में से 0। ओके, 42075। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इस तरीके से दे रखा है, बट हमने जो फॉर्मूले सीखे हुए हैं वो 1 2 3 नेचुरल नंबर्स के सीखे हुए हैं, बट ये तो सारी इवन नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमें दिख रहा है 2 4 6, सब में 2 कॉमन दिख रहा है, तो हम यहां पर 2 कॉमन ले लें और सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो सबसे स्क्वायर भी कॉमन ले लें। ओके, अब जब इसका डिवाइड इसमें करोगे, कॉमन लोगे, तो यहां 1 का स्क्वायर, यहां 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ...... ये 10 का स्क्वायर। ओके, इस तरीके से बात समझ में आई, तो यहां पर ये हो जाएगा 4। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट कर। तो 4, इसके बाद इसमें हम स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला क्या है, n n प्लस 1 और 2n प्लस 1, ओके, अपॉन 6। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे यहां, तो ये हो जाएगा n कितनी है 10, एन प्लस वन कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 11 इंटू, और 2n प्लस 1 मीन्स 10 टू 20 प्लस 1 21 अपॉन 6। ओके, नाउ कैंसिल आउट करिए, 2 3 6, 2 से ये 5 टाइम्स, ओके, और 3 से ये 7 टाइम्स, तो यहां मल्टीप्लाई हुआ 7 इंटू 5 7 जा 35 35 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 385। ओके, आंसर आएगा 1540। ओके, तो आई होप आपको
समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो यहां भी सेम प्रॉब्लम है कि 2 सारी इवन नंबर्स का क्यूब है, तो यहां पे भी हम सेम ऐसे ही 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे। तो यहां क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब। ओके, अब ये हो जाएगा 8, 2 की पावर 3 है, 8 हो जाएगा। इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है, n, n कितना है 10, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और n प्लस 1 मीन्स 10 प्लस 1 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो 2 5 जा 10, ओके 8 इंटू ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर। ओके, तो 55 तो ये होगा 8 इंटू 55 का इसका 3025, इट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 24200। ओके, ठीक है, 24200 दैट इज आंसर। ओके, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, प्रैक्टिस करिएगा। अब हम एक और क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और जनरली इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब यहां पर ना तो ये यहां पे, वहां तो हमने 2 कॉमन ले लिया, बट यहां तो कोई कॉमन भी नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे। इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से लेकर 15 तक हम सारी नंबर्स का स्क्वायर का सम निकाल लें, और बीच बीच में कौन सी नहीं चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मीन्स इवन नंबर्स का सम का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ऑलरेडी हम निकालना सीख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहां से लेकर 15 तक के स्क्वायर का सम निकाल लेंगे। ओके, और उसमें से माइनस कौन सा कर देंगे, माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, और कहां तक करेंगे, 14 तक, क्योंकि 15 तक तो हमें चाहिए, 14 तक इवन नंबर होंगी, 14 का स्क्वायर। ओके, बात क्लियर है। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, 1 से 15 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 1 से 15 का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, स्क्वायर में n, n प्लस 1 2 n प्लस 1, ठीक है ना, n, n प्लस 1 2 n प्लस 1, तो n कितना है 15, ठीक है ना, n प्लस 1 16 और 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा 30, 15 टू या 30 31, ओके अपॉन 6, ओके माइनस, यहां पर हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 3 से 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 31 माइनस यहां 4, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा, फिर इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला होगा n, n कितना है 7 इंटू n प्लस 1 8 इंटू 2 एन प्लस 1 7 बन जा 7, 7 टू जा 14 प्लस 1 15 अपॉन 6, कैंसिल आउट करिए, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, इस 3 से ये 5 टाइम्स। ओके, तो यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 0 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, ओके माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू मल्टीप्लाई करिए 4, 5 4 जा 20, 27 जा 140। ओके, तो 1240 माइनस 560। ओके, माइनस करेंगे 0, 14 में 6 गए 8, 0, 14 में 6 गए 8 और 11 में से 5 गए 6, 680 इज द आंसर। ओके, तो ये कुछ सम ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ क्यूब से रिलेटेड जो न्यूमेरिक फॉर्मूले हमने सीखे थे उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक
शुरू करेंगे। थैंक यू।